आ जाते हैं पीएसएल की तरफ। बड़ा आम क्वेश्चन है क्योंकि अभी पीएसएल आने वाला है और आपको पता है कि हमारे जो लोग हैं वो क्रिकेट नहीं नहीं उनका जीना मरना क्रिकेट के साथ क्रिकेट के साथ है। कुछ लोग तो खाना भूल जाते हैं जब मैच चल रहा हो। तो किसके चांसेस इस मर्तबा तो आपको दिखाई दे रहे हैं? चलें अब आप टीम्स के नाम बोले और फिर मैं आपको कहूंगी कौन सी है। अब मैं असल में मेरा जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं है क्रिकेट के साथ। तो पिछली बार आपने लाहौर कलंदर का जिक्र किया था, मेरा ख्याल है क्वेटा ग्लैडिएटर भी है, कराची किंग्स या कुछ इस तरह के नाम। पेशावर कौन है? जलमे ही है जी, पेशावर जलमे इंशाल्लाह इस बार वो हाँ ना करें कसम से। सही बताएं, नया नया ना होना चाहिए हर दफा एक नए नए उठे ताकि उनकी टीम को भी इनकरेजमेंट मिले। और जब मैं पीएसएल का ये कर रही थी ना तो आपको पता नहीं आपने भी किया था, एक दो और लड़कों ने भी इंटरव्यू किया था, मैंने सबको कहा था कि बाबर आजम माशाल्लाह उसका नाम ही इतना खूबसूरत है, बाबर भी बादशाह था आजम भी अजमत। आप देखिए इस साल उसको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड, क्रिकेट में बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड, कितने अवार्ड्स उसको मिले हैं क्योंकि वो लड़का बहुत ज़्यादा मेहनती और जो काम करता है दिल से करता है, इसलिए अल्लाह उसको उठा के कहाँ से कहाँ बिठा दिया। लास्ट ईयर जब पीएसएल था बाबर आजम नए नए थे, हम लोगों को इतना उसके बारे में पता भी नहीं था। अब मैंने भी उसको देखना शुरू किया क्योंकि मैंने उसके बारे में पेशन गोई की थी कि ये बहुत चढ़ेगा, तो देखिए अल्लाह ने उसको उसकी गुड़ी चढ़ गई माशाल्लाह। पेशावर जलमी के मुतालिक इस मरतबा बिस्मिल्लाह रुख ने ये प्रेडिक्शन किया कि इस बार वो जो है बाजी लेकर जाएंगे।